क्योंकि पवन सिंह कह देना बहुत आसान है, लेकिन पवन सिंह बनना बहुत मुश्किल। नमस्कार, प्रणाम, मगहिया जौन समय गौतम सिंह राजपूत। जी हाँ, पवन सिंह कह देना, बोल देना बड़ा आसान है, लेकिन पवन सिंह बनना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, एक कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव एक इंटरव्यू में बोल रहे थे, बहुत बढ़िया बात कर लेते हैं और इनसे बढ़िया कोई खोदना भी नहीं जानता है, जैसा कि ये लाइव में आकर खुद कह रहे थे। आप सबको बता दें मेरे भाई कि आज किसी भी गाने को देखे, कुछ दिन पहले इनका गाना नहीं चल रहा था। कहानियाँ क्या होता है, ये खोदना शुरू कर देते हैं, खुद को नहीं सामने वाले को, कैसे डिप्रेशन में डाल देना है, कैसे खोदना है, कैसे परेशान करना है, भले वो नहीं बोलते हैं, लेकिन अभी लाइव चल रहा था जिसमें काफ़ी यूट्यूबरों को टारगेट भी कर रहे थे, समझे कि नहीं। और हम तो लेट से आते हैं क्योंकि बड़बड़ बड़बड़ बोलने तो हमको आता है नहीं, भौंकने तो आता है नहीं, बोलते हैं साक्ष्य और तरीके से। अब एक बात पूछना चाहेंगे खुद खेसारी लाल यादव से। खेसारी लाल यादव जी लाइव में कह रहे थे कि फुफेरा ननेरा मौसेरा चचेरा हमारा यूट्यूबर नहीं है, जैसा आप सामने वाले का है, अगर हम चाहें तो खटिया खड़ा कर देगा, ये कर देगा। हमारे पक्ष में यूट्यूबर जो वीडियो बनाते हैं वो कह रहे थे कि कोई अनाप शनाप लंद फन देवानंद नहीं बोलते हैं। तो हम पूछना चाहेंगे, वो जे है जरा गोड़वा लग के हाँ करते हो, उसका अनाप शनाप ना बोलता है? अरे एक वो तो सिंगल यूट्यूबर नहीं है ना सोशल मीडिया पे जो तरीके लहजे और एक शुद्ध हिंदी में बात करे आता होगा। जी हाँ, और इधर बात करोगे तो दर्जनों लाइन लगल है ऐसा, खाली अनापे शनाप गोबर सिंह बोलते हो, पवन सिंह कुछ बोलता है नहीं, पियक्कड़ बोलते हो बोलता है नहीं, दरुआहा बोतलाहा कुछ भी बोलते हो नहीं बोलता है, सामने वाला इंसान चुप रहता है, उसका नाजायज फायदा उठाता है इंसान, समझे कि नहीं। बार बार चकमा धमकी और लंद फंद बहुत सारी चीज़ें कहते रहता है। खैर सुनिए हम लोग, क्योंकि हो सकता है कि ये सब बेहतर खोदना हम जानते होंगे और आप सब भली भांति पता है कितना बढ़िया से हमारा खोदे आता है, लेकिन हमारा छिया लेदर ना करे आता है भाई। भैया यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम है बातों को रखने के लिए, हगने के लिए, पोटी करने के लिए नहीं बना है, लेकिन पोटी करने में ही मशहूर है। जब भी लगता है पोटी ऑन करके लाइव में टक से टों कर देता है, समझे कि नहीं। पवन सिंह का गाना आया था इससे पहले, सोना सिंह का गाना को चुरा के गाया, उसमें भी थेथरलॉजी कर रहा था, हालांकि सोना सिंह के द्वारा ही कहा जा रहा था, बता रही थी, तब मैंने वीडियो किया। इसके बाद फिर से पवन सिंह के गाने के चुरा के अपन, मतलब समझ रहे हैं ना, कुल ट्रेंडिंग निकल गया था, घुस गया था, समझें कितना ट्रेंडिंग में रहता है पता चल गया था, लेकिन कहानियां कंट्रोवर्सी कर करके बना बना के गाना को चला लिया। अब ये लाइव आकर आधा आधा घंटा एक एक घंटा पोटी कर रहा है और सामने वाले को कह रहा है कि ये करते हो वो करते हो मना, अरे भैया काहे इतना उंगली करते हो, जब आ कह देगा वो ना तो वही ट्रेंड करे लगेगा, क्योंकि पवन सिंह वो शख्स, वो शख्सियत का नाम है ना कि जो कह देता है, जो बोल देता है ना, उसका डायलॉग ट्रेंड करता है। शायद उतना तुम्हारा गाने का रील्स नहीं बनता होगा जितना इसके डायलॉग पे रील्स बनते हैं। अगर सामने वाला इंसान चुप है, कार्य कर रहा है तो काम करने दो ना यार, काहे खोद रहे हो, काहे उंगली कर रहे हो, खोदे और खुदवावे के तो ज़्यादा शौक है, सब लोग जानता है। मतलब कहानियाँ दिन प्रतिदिन नया क्रिएट करने का प्रयास करता है। आप सब परेशान ना होइए, ये पहले कोई हम एपिसोड किए थे जिकरा हम बताए थे कि परेशान ना होता है नौटंकी खुदे से ब्लॉक करके और दुगुना व्यू के लिए ऐसा काम करता है। देखिए अगर 2 मिलियन कोई गाना चला है और कह दें गाना ब्लॉक हो गया, स्ट्राइक मरवा दिया, उड़ा दिया, है ना, वही जो आर रोना होता है, रोएंगे सोशल मीडिया पे आके और फिर उतना ही ऑडियंस जाके डबल टाइम देखेगा गाना को, सीधा 2 से 4 हो गया, कहानियाँ वही किया, समझे कि नहीं। बाकी कितना बड़ा कलाकार है और कितना बड़ा कलाकारी सुर और लूर है सब पता है, कहे कि इंटरव्यू में अपने कह रहा था ना भाई कि पवन सिंह कह देना बोल देना आसान है, लेकिन पवन सिंह बनना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पवन सिंह कह देना बहुत आसान है, लेकिन पवन सिंह बनना बहुत मुश्किल, पवन सिंह बनना बहुत मुश्किल, पवन सिंह बनना बहुत मुश्किल। खैर इस वीडियो को शेयर करिए और इसके बेबहियात बातों पे आके बिना मतलब का ना न्यूज़ करिए ना वीडियो बनाइए, क्योंकि कंट्रोवर्सी में रहने के लिए ही ये ऐसा काम करता है। और हम 2 दिन बाद आ रहे हैं ना, लेट से वीडियो कर रहे हैं, 2 इसके लाइव आने के बाद भी हमने वीडियो नहीं किया, क्योंकि हमको पता था भली भांति कि क्यों ऐसा ये नौटंकी कर रहा है। वीडियो को शेयर कीजिए, विदा लेना चाहेंगे, नमस्कार प्रणाम रहेगा और जय मगध जय बिहार रहे।